नमस्कार शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम 12 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी देखेंगे। सप्ताह संख्या 12, दिवस 1, कक्षा 1। पहला कालांश मॉर्निंग सर्किल टाइम का रहेगा। इसकी कुल अवधि 10 मिनट की रहेगी। इसमें हम बच्चों को स्वागत, प्रार्थना, स्वच्छता जांच, बातचीत व शारीरिक गतिविधियाँ कराएँगे। अगले 3 कालांश भाषा और साक्षरता कौशल के रहेंगे। इसकी कुल अवधि 105 मिनट की रहेगी, यानी तीनों कालांश 35-35 मिनट के होंगे। पहला कालांश मौखिक भाषा विकास का होगा। इसमें हम बच्चों को सेल गतिविधि और संबंधित सेल गतिविधि से लेखन कार्य कराएंगे। अगला कालांश कार्य पुस्तिका भाग 1 पर रहेगा। इसमें हम सवर्ण पहचान बच्चों को कराएंगे और लेखन कार्य करेंगे। अगला कालांश बिग बुक पठन का रहेगा। इसमें हम बच्चों को आदर्श वाचन कर बिग बुक पठन कराएंगे। अगले 3 कालांश गणित शिक्षण के रहेंगे। इसमें पहला कालांश गणित शिक्षण योजना का रहेगा। इसकी कुल अवधि 30 मिनट की रहेगी। इसमें हम बच्चों को 1 से 9 तक संख्याओं को लिखना व संख्याओं के क्रम को उल्टे सीधे समझना अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। अगला कालांश गणित अभ्यास कार्य का रहेगा। इसमें हम आनंदमय पाठ्य पुस्तक, जो हमारी कार्य पुस्तिका है, उसके कार्यपत्रक पर कार्य करेंगे, पेज नंबर 25। अगला कालांश गणित खेल गतिविधि का रहेगा। इसमें हम बच्चों को चलो आओ 1 से 9 तक समूह बनाएं खेल गतिविधि कराएंगे। अगला कालांश भारी खेल का रहेगा। इसकी भी कुल अवधि 30 मिनट की रहेगी। इसमें हम बच्चों को कोई खेल गतिविधि या चित्रकला आधारित कार्य कराएंगे। धन्यवाद।
नमस्कार शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम 13 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी देखेंगे। सप्ताह संख्या 12, कक्षा 1, दिवस 2। पहला कालांश मॉर्निंग सर्किल टाइम का रहेगा। इसकी कुल अवधि 10 मिनट रहेगी। इसमें हम बच्चों को स्वागत, प्रार्थना, बातचीत, स्वच्छता जांच और शारीरिक गतिविधियां कराएंगे। अगले 3 कालांश भाषा और साक्षरता कौशल के रहेंगे। इसकी कुल अवधि 105 मिनट की रहेगी। इसमें पहला कालांश मौखिक भाषा विकास का होगा। इसके अंतर्गत हम चित्र चार्ट पर कार्य करेंगे और इस चार्ट से संबंधित लेखन कार्य भी बच्चों को कराएंगे। अगला कालांश कार्य पुस्तिका भाग 1 का रहेगा। इसमें हम बच्चों को तय वर्ण पहचान पर कार्य कराएंगे और संबंधित तय वर्ण से लेखन कार्य भी बच्चों को कराएंगे। अगला कालांश बिग बुक पठन का रहेगा। इसमें हम बच्चों को बिग बुक पठन कराएंगे और बच्चों के साथ आदर्श वाचन कर पठन कार्य करेंगे। अगले 3 कालांश गणित शिक्षण के रहेंगे। इसमें पहला कालांश गणित शिक्षण योजना का रहेगा। इसकी कुल अवधि 30 मिनट की रहेगी। इसमें हम बच्चों को 1 से 9 तक संख्याओं की तुलनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। अगला कालांश गणित अभ्यास कार्य का रहेगा। इसमें हम अभ्यास पुस्तिका जो हमारी आनंदमय गणित है कक्षा 1 की, उस पर कार्य कराएंगे। उसमें हम पेज संख्या 26 पर कार्य करेंगे। अगला कालांश गणित खेल गतिविधि का रहेगा। इसकी भी कुल अवधि 30 मिनट रहेगी। इसमें हम बच्चों को हमारी जादुई उंगली खेल गतिविधि कराएंगे। अगला कालांश बाहरी खेल गतिविधि का रहेगा। इसकी भी कुल अवधि 30 मिनट की रहेगी। इसमें हम बच्चों को खेल गतिविधि कराएंगे कोई, या चित्रकला आधारित कार्य कराएंगे। धन्यवाद। नमस्कार शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम 14 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी देखेंगे। सप्ताह संख्या 12, कक्षा 1, दिवस 3। पहला कालांश मॉर्निंग सर्किल टाइम का रहेगा। इसकी कुल अवधि 10 मिनट की रहेगी। इसमें हम बच्चों को स्वागत, प्रार्थना, बातचीत, स्वच्छता जांच और शारीरिक गतिविधियां कराएंगे।
अगले 3 कालांश भाषा और साक्षरता कौशल के रहेंगे। इसकी कुल अवधि 105 मिनट की रहेगी, यानी तीनों कालांश 35-35 मिनट के होंगे। पहला कालांश मौखिक भाषा विकास का होगा। इसमें हम चित्र चार्ट पर कार्य कराएंगे और संबंधित चित्र चार्ट से लेखन कार्य करेंगे। अगला कालांश कार्य पुस्तिका भाग एक का रहेगा। इसमें हम अभी तक जो वर्ण शब्द बच्चों को कराए हैं उसकी पुनरावृत्ति कराएंगे। अगला कालांश बिग बुक पठन का रहेगा। इसमें हम बच्चों के साथ साझा पठन करेंगे। अगले 3 कालांश गणित शिक्षण के रहेंगे। पहला कालांश गणित शिक्षण योजना का रहेगा। इसकी कुल अवधि 30 मिनट रहेगी। इसमें हम शून्य की अवधारणा बच्चों को स्पष्ट करेंगे। अगला कालांश गणित अभ्यास कार्य का रहेगा। इसकी भी कुल अवधि 30 मिनट रहेगी। इसमें हम कार्य पुस्तिका आनंदमय गणित के पेज नंबर 27 पर कार्य कराएंगे। अगला कालांश गणित खेल गतिविधि का रहेगा। इसमें हम बच्चों को आओ सुनने के साथ खेलें खेल गतिविधि कराएंगे। अगला कालांश बाहरी खेल गतिविधि का रहेगा। इसमें हम बच्चों को बाहरी खेल या चित्रकला आधारित कोई कार्य कराएंगे। धन्यवाद। नमस्कार शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम 16 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी देखेंगे। सप्ताह संख्या 12 रहेगा। कक्षा 1 दिवस 5। पहला कालांश मॉर्निंग सर्किल टाइम का रहेगा। इसमें हम बच्चों को स्वागत गीत, प्रार्थना, बातचीत, स्वच्छता जांच और शारीरिक गतिविधियां कराएंगे। अगले 3 कालांश भाषा के रहेंगे। इसकी कुल अवधि 105 मिनट की रहेगी, यानी तीनों कालांश 35-35 मिनट के होंगे। पहला कालांश मौखिक भाषा विकास का होगा। इसमें हम बच्चों को कहानी सुनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। अगला कालांश कार्य पुस्तिका भाग एक का रहेगा। इसके अंतर्गत हम बच्चों को व्यवर्ण पर कार्य कराएंगे और संबंधित कार्य से लेखन कार्य भी करेंगे और पुनरावृत्ति कार्य बच्चों को कराएंगे।
अगले कालांश में हम बच्चों को स्वतंत्र पठन का मौका देंगे और आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य करेंगे। अगला कालांश गणित शिक्षण योजना का रहेगा। इसकी कुल अवधि 60 मिनट की रहेगी, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें हम बच्चों को समेकन शिक्षण योजना करेंगे, यानी जो अभी तक हमने 1, 2, 3 तीनों दिवस में शिक्षण योजना कराई हैं उनको समेकित करते हुए एक शिक्षण योजना तैयार करेंगे और उसको बच्चों को कराएंगे। अगले कालांश में हम बच्चों को मैंने सीख लिया अभ्यास कार्यपत्रक कराएंगे, जो हमें आनंदमय कार्यपुस्तिका के पेज नंबर 29 पर मिल जाएगा। अगला कालांश बाहरी खेल गतिविधि का रहेगा। इसमें हम बच्चों को कोई खेल गतिविधि कराएंगे या चित्रकला आधारित कार्य बच्चों को कराएंगे। धन्यवाद। नमस्कार शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम 17 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी देखेंगे। सप्ताह संख्या 12, कक्षा 1, दिवस 6। पहला कालांश मॉर्निंग सर्किल टाइम का रहेगा। इसकी कुल अवधि 10 मिनट रहेगी। इसमें हम बच्चों को स्वागत गीत, प्रार्थना, बातचीत, स्वच्छता जांच और शारीरिक गतिविधियां कराएंगे। अगले तीन कालांश भाषा और साक्षरता कौशल के रहेंगे। इसकी कुल अवधि 105 मिनट की रहेगी। तीनों कालांश 35-35 मिनट के होंगे। पहला कालांश मौखिक भाषा विकास का होगा। इसमें हम कहानी पोस्टर पर कार्य करेंगे और संबंधित कहानी से लेखन कार्य बच्चों को कराएंगे। अगले कालांश में हम सप्ताह में सिखाए गए सभी वर्णों की पुनरावृत्ति कराएंगे। अगले कालांश में हम बिग बुक पठन से लोगोग्राफिक पठन बच्चों को कराएंगे और आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य करेंगे।
अगला कालांश गणित शिक्षण योजना का रहेगा। इसकी कुल अवधि 60 मिनट की रहेगी। इसमें हम रेमेडियल शिक्षण योजना कराएंगे, यानी हमने तीन जो शिक्षण योजना 1, 2, 3 तीन दिवस में की हैं, उनको आंकलन के बाद हम देखेंगे कि कितना बच्चे सीख पाए हैं। उसी के आधार पर हम एक रेमेडियल शिक्षण योजना तैयार करेंगे और उसको कराएंगे। अगला कालांश गणित अभ्यास कार्य का होगा। इसमें हम आनंद में गणित कार्य पुस्तिका से साप्ताहिक अभ्यास कार्यपत्रक बच्चों को कराएंगे। ये कार्यपत्रक हमको कार्य पुस्तिका के पेज नंबर 30 पर मिल जाएगा। अगला कालांश बारी खेल गतिविधि का रहेगा। इसकी कुल अवधि 30 मिनट की रहेगी। इसमें हम बच्चों को कोई खेल गतिविधि या चित्रकला संबंधी कार्य कराएंगे। धन्यवाद।